जिला सोलन के धर्मपुर में एक व्यक्ति का पैर डंगे से फिसल गया और व्यक्ति के मुंह और सिर पर गहरी चोटें आई हैं, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। सोलन के धर्मपुर में बीती रात्रि को राष्ट्रीय उच्च मार्ग से धर्मपुर पीएससी अस्पताल सड़क के डंगे पर से 31 वर्षीय अमन रावत का अचानक से पैर फिसल गया और वो डंगे से करीब 35 फीट नीचे नाली में जा गिरा, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अमन रावत के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने धर्मपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई में जुट गई। मृतक की पहचान सुभातु के च्याली गांव के निवासी अमन रावत के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस को वीरवार सुबह घटना की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। आज मॉर्निंग में लगभग 7 बजे हमें धर्मपुर पुलिस स्टेशन पे सूचना मिली थी कि एक कोई व्यक्ति है जो कि धर्मपुर पड़ाव के पास NH के साथ नाली में गिरा हुआ है। इस पे SHO अपनी टीम लेके मौका पे गए थे तो पाया गया कि एक व्यक्ति वहां पे गिरा है, जिसकी मौके पे ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डेथ हो गई है। इसकी जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिसके बेस पे इसकी पहचान हुई। इसका नाम अमन है, जो कि सपाटू का रहने वाला है और 31 ईयर्स इसकी एज है। इसको वहां से तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर्स ने उसको ब्राउट डेड डिक्लेयर किया है। इसमें फर्दर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है बॉडी का और 174 CRPC की कार्रवाई करवाई जा रही है। फर्दर जांच पे पाया गया कि ये व्यक्ति पल्लीदारी का काम करता था, लेबर का, और ड्राइविंग भी करता था और थोड़ा शराब पीने का आदी था। फर्दर जांच जो है हर पहलू पे इसमें चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।